और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं एक जगह, हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे। आरोप बेबुनियाद है, सत्य से परे है। 30-30, 40-40 पुलिस को लेके चलते हैं, 22 श्रेणी, 1 श्रेणी का खोजते हैं, और जब पुलिस जाती है तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ खुफिया तंत्र लगा हुआ है। तेजस्वी यादव ने दरभंगा मीटिंग में ही शंका व्यक्त की थी कि आईबी और सीआईडी के लोग उनके कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर भी घुस आते हैं। तेजस्वी ने सरकार द्वारा गुप्तचर का आरोप लगाया है। और ताजुब की बात है, जहां भी हम बैठक कर रहे हैं एक जगह, हमारे बैठक के अंदर सीआईडी वाले और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे, नोट कर रहे थे। पता चला कि भाई सीआईडी, और हम लोगों को लगा कि पत्रकार है, क्योंकि इंटरनल पार्टी की बैठक होती है तो उसमें फोटो तो लेना होता, लेकर के फिर जो है बाहर चले जाते हैं पत्रकार लोग, क्योंकि पार्टी की इंटरनल बैठक है। लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। कार्ड उन्होंने दिखाया बकायदा। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम जो है चल रहा है, नजर रखी जा रही है। इतना ही नजर अपराधियों पर रख देते मुख्यमंत्री जी तो आज बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। मुख्यमंत्री जी का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। गृह मंत्रालय उनके पास है, उनके अधीन है। कहीं भी कुछ भी घटना होती है, मुख्यमंत्री कभी भी नहीं जाते। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक तरह से इस आरोप को स्वीकार कर लिया। नीरज कुमार ने कहा है कि इंटेलिजेंस के लोग तो इनपुट लेते और देते ही रहते हैं। इधर जदयू पार्टी के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर श्रवण कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव 30-40 पुलिस बलों के साथ रहते हैं, जेड श्रेणी की सुरक्षा रखते हैं। दिखावेबाजी को छोड़कर उन्हें जनता के मुद्दों से खास मतलब नहीं है। श्रवण कुमार ने तेजस्वी के वक्तव्य को बेबुनियाद बताया और कहा कि जासूसी का झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए वीडियो। आरोप बेबुनियाद है, सत्य से परे है। 30-30, 40-40 पुलिस को लेके चलते हैं, 22 श्रेणी, 1 श्रेणी का खोजते हैं, और जब पुलिस जाती है तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ खुफिया तंत्र लगा हुआ है। किसी के खिलाफ खुफिया तंत्र नहीं लगता है। जो लोग काम करते हैं उनको लगता रहता है, घूमते रहते हैं तो लगता रहता है कि हमारी जासूसी कौन काम के लिए जासूसी होगी। यात्रा पर निकले हैं, यात्रा करें। जब उनको विधानसभा चलता है तो उनको फुर्सत नहीं रहता है, बिहार के जनता के सवालों का उठाने के लिए समय नहीं रहता है, उनको बिहार के जनता के सवालों से मतलब नहीं रहता है, और इस तरह की बात उठा करके सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं और अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं।